कालाडूंगी उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित बेहद शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है। कभी यहाँ रहने वाले प्रसिद्ध शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट, जिन्हें एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं, ने कुमाऊं और उत्तराखंड के वासियों को कई आदमखोर बाघों के आतंक और भय से मुक्ति दिलाई थी। पॉपकॉर्न ट्रिप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में आप पाते हैं विभिन्न ट्रैवल डेस्टिनेशन से जुड़े वीडियोज। इसी सीरीज में आज हम हैं कालाडूंगी में कॉर्बेट म्यूजियम में। इस वीडियो में हम जानेंगे जिम कॉर्बेट और उनकी यादों से जुड़े इस स्थान के बारे में। यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, साथ ही आसपास के अन्य आकर्षणों की जानकारी। नैनीताल जिले में नैनीताल से वाया खुरपाताल होते हुए करीब 34 किलोमीटर दूर कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की दूरी कॉर्बेट म्यूजियम से 24 किलोमीटर है। कालाडूंगी स्थित कॉर्बेट म्यूजियम, जो कभी जिम कॉर्बेट का आवास हुआ करता था, इस बंगले को 1922 में जिम कॉर्बेट ने बनवाया था। लोग यहाँ आते हैं भारत के ग्रामीण परिवेश को समझने, भारत की प्राकृतिक विविधता को देखने, भारत के वन्य जीवों जिनमें बाघ, हाथी, कांकड़, घुरड़ और कई अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं, की उपस्थिति को महसूस करने। अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कॉर्बेट म्यूजियम के लिए एंट्रेंस। एंट्री गेट से अंदर प्रवेश करने के बाद टिकट काउंटर से म्यूजियम विजिट के लिए टिकट्स लिए जा सकते हैं, जिनके चार्जेज इंडियंस, फॉरनर्स और स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हैं, जिन्हें स्क्रीन पर देखा जा सकता है। विजिटर्स म्यूजियम के आसपास सड़क के किनारे अपने वाहन पार्क कर म्यूजियम विजिट करते हैं। म्यूजियम सुंदर हरे भरे वृक्षों और पार्क से घिरा है। यहां बैठकर प्रकृति के साथ अच्छा समय व्यतीत किया जा सकता है। कॉर्बेट म्यूजियम में जिम कॉर्बेट के जीवन से जुड़े एवं कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ी कई बुक्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स आदि खरीदा जा सकता है। जिम कॉर्बेट को कुमाऊं और गढ़वाल बहुत प्रिय था। प्रवेश कर बाई ओर जाने वाली पगडंडी से म्यूजियम के मुख्य भवन तक पहुंचते हैं। म्यूजियम से ठीक पहले है जिम कॉर्बेट का एक खूबसूरत स्टैच्यू। म्यूजियम के अंदर जाकर एडवर्ड जिम कॉर्बेट से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानी जा सकती हैं, जिन्हें विभिन्न तस्वीरों, आकृतियों, लेखों द्वारा दर्शाया गया है। खासतौर से छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर सीखने और जानने के लिए काफी कुछ है। म्यूजियम में जिम कॉर्बेट द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं आज भी सहेज कर रखी गई हैं। जिम कॉर्बेट आजीवन अविवाहित रहे, उन्हीं की तरह उनकी बहन मैगी कॉर्बेट ने भी कभी विवाह नहीं किया। दोनों भाई बहन आजीवन साथ रहे। जिम कॉर्बेट का जन्म
25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ और 1947 में अपनी बहन मैगी के साथ जिम कॉर्बेट केन्या चले गए और उनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1955 को केन्या में ही हुई। कुमाऊं तथा गढ़वाल में जब भी कोई आदमखोर शेर आ जाता था तो जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता। जिम कॉर्बेट वहां जाकर सबकी रक्षा कर आदमखोर शेर को मारकर ही लौटते थे। उनके द्वारा किए गए आदमखोर बाघों के शिकार का विवरण जिम कॉर्बेट एक कुशल शिकारी थे, साथ ही वे एक अत्यंत प्रभावशील लेखक भी थे। शिकार कथाओं के कुशल लेखों में जिम कॉर्बेट का नाम विश्व में अग्रणी है। उनकी पुस्तकें माई इंडिया, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ, जंगल स्टोरीज आदि बेहद चर्चित हैं। कालाडूंगी में ठहरने के लिए कुछ होटल्स और गेस्ट हाउस हैं, साथ ही समीपवर्ती टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नैनीताल, हल्द्वानी अथवा कॉर्बेट रामनगर में भी ठहर सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। कालाडूंगी में मार्केट भी है जहाँ दैनिक जरूरत का सभी सामान मिल जाता है। कालाडूंगी में शानदार म्यूजियम, कुमाऊं के खूबसूरत जंगल के साथ साथ बेहद प्रतिष्ठित व्यक्ति जिम कॉर्बेट के जीवन और तत्कालीन गतिविधियों को समझने के लिए कॉर्बेट म्यूजियम की यात्रा महत्वपूर्ण है। कॉर्बेट रिजर्व के विशाल और शानदार वन्य जीवन का महत्व समझने के लिए भी इस म्यूजियम की सैर की जा सकती है। कॉर्बेट म्यूजियम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कॉर्बेट फॉल। कॉर्बेट फॉल की जानकारी देता वीडियो जल्दी ही आप पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में देखेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।